हेलो गाइस, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरा डबल रोल था, उसका मैं आज आपको ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो यू कैन सी हियर, आपको जितना पार्ट चाहिए आप कट कर सकते हैं यहाँ से। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। और यहाँ तक मैं लेने वाला हूँ। सो ये बेसिकली यहाँ पे जो बटन है ड्रैग वीडियो ओनली, वहाँ से आपको जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो सेकेंड वीडियो में भी सेम प्रोसेस। सेम ड्रैग एंड ड्रॉप। सो बेसिकली ये वीडियो में मैंने क्या किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ मैं उसके साथ आई कांटेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने 4 सेकंड तक गैप लिया है और उसके बाद में जो मैंने मुंडी हिलाई है उसके बीच में 4 सेकंड का गैप है। सो आपको सेकंड वीडियो में जहाँ पे आप उसको उसके तरफ देखते हो वहाँ पे एक मार्क डालना है। हाँ, यू कैन सिंपली प्रेस एम, और जहाँ पे यहाँ आप उसके तरफ देख रहे हो वहाँ पे एक मार्क डालना है। सिंपली प्रेस एम हियर। सो ये दोनों मार्क मैच होने चाहिए और ये क्लिप ऑलमोस्ट मैच हो चुकी है। इसको सिंक कर लेते हैं और फिर यहाँ पे बस अपने एक लास्ट प्रोसेस है मास्किंग की। सो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाके ओपेसिटी में ये पेन टूल है, वहाँ से बस आपको मास्किंग करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सेकंड मैं हूँ वो दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं प्ले करूँगा तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि यहाँ 2 जन हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ थोड़ा कट हो रहा है। सो ये कुछ नहीं, बस आपको एक की फ्रेमिंग करनी है। यहाँ पे जो ये टॉगल एनिमेशन है इसको ऑन कर देना है इस, और ये मास्क पे सिलेक्ट करना है और फिर बस आपको यहाँ से मूव करना है। और जैसे जैसे मेरा हाथ लेफ्ट को जाएगा मैं वैसे वैसे एनिमेशन को, क्योंकि ये सेकंड वाला जो क्लिप है वो उसके ऊपर आ रहा है। सो आई विल जस्ट इसको मैं थोड़ा ये साइड लेते जाऊंगा। और ऑल द वे टू हियर। सो यहाँ पे क्रीफ की फ्रेमिंग हो चुकी है। आपने टॉगल एनिमेशन शुरू करने के बाद ही वो ये प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाती है। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अब यहाँ पे वो मैच हो चुका है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे जो करना है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे पूछे बराबर ही वो ढीला रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। यू कैन सिंपली ड्रैग इट हियर। हम देखते हैं। ओके, और ये सिंपली हो चुका है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइनिंग, इसको हमें हटाना है।
सिंपली आपको ये मास्क फेदर में जाना है और ये एक्सपांशन आप बढ़ा सकते हैं। सो इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, तो देखते हैं फिर से। ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है, बस आपको वो जो मास्किंग है उसको आपके हिसाब से करते जाना है। आप जितना चाहे उतनी बार कर सकते हैं और जितना करोगे उतना वो पॉलिश दिखेगा वीडियो। सो सिंपली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस। इसके बाद में मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसका भी ब्रेकडाउन करूँगा। सो सी यू सून।